हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मुतासर करते हैं हमारे फैसलों को. एक और बहुत अहम चीज़ जो है वो हम सबके फैसलों को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बिलीव्स. हमारा परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं हमारे फैसलों को. सेकंड, वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. फिर कॉन्सिक्वेंसेस को नंबर थ्री पर कंसिडर ज़रूर करेंगे. अगर मैं ये फैसला लूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर मैं ये फैसला लेता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. एंड देन फिर एवेल्यूएट भी करना. फिफ्थ जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, वो ये है. फिफ्थ स्टेप ये है कि आप एवेल्यूएट करते हो कि आपने जो फैसला लिया है तो ये ठीक लिया. तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव स्किल्स आपको अच्छा डिसीजन मेकर बनाती हैं. लेकिन इसमें कुछ जो प्रोमिनेंट हैं उनमें हम बात करेंगे. जैसे मैंने बात की मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन एनालिसिस करने के स्किल को कहते हैं. व्यू द कॉन्सिक्वेंसेस. आप कॉन्सिक्वेंसेस को रिव्यू करने की जो स्किल है वो भी आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगी. इफ़ यू हैव द फ्लैक्सीबिलिटी तो आप कहोगे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम, या चेंज को अडेप्ट करना या किसी और प्लान को यूज़ करके रिवाइज करके अपनी चीज़ों को हम कर सकें. कि अटेंशन को फोकस रखने का एग्जीक्यूटिव स्किल भी हमें फैसले लाने में बेहतरी का. फिर इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल जो है. देखिए आप कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर एंजाइटी होना शुरू सम टाइम हो जाती है कि पता नहीं ठीक किया है या नहीं किया. ठीक, इसमें आपको इमोशनल कंट्रोल हेल्प. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. और आज एग्जीक्यूटिव स्किल्स के प्रोग्राम के साथ मैं ज़करिया हाशमी आपके सामने हाज़िर हूँ. और अब से इस प्रोग्राम की जो होस्ट के फ़राइज़ हैं वो भी मैं अंजाम दिया करूँगा. एग्जीक्यूटिव स्किल्स के माहिर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं. मिस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. एग्जीक्यूटिव स्किल्स कुछ ऐसी चीज़ें, ब्रेन स्किल, ब्रेन बेस्ड जो स्किल्स होती हैं वो ये होती हैं कि हम इन स्किल्स को सीखते हुए अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, अपनी ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. और आज का जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्किल्स का ये जो प्रोग्राम है, इसका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग. ज़िंदगी में कई दफ़ा हम बहुत सारे मुकामात पर फ़ैसला लेने में बड़ा कतरा रहे होते हैं, और फ़ैसला लेने के जो एक उसका प्रोसेस होता है उसमें हम बड़ी परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आ पा रहा होता कि फ़ैसला क्या लेना चाहिए, कहीं इस फ़ैसले में कोई गलती ना हो, कहीं इस फ़ैसले से कोई नुकसान ना हो. तो आज का जो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, इस पर हम मिस शुमाइला से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे इसके ऊपर कि अगर आपने फ़ैसला लेना है तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. तो मिस, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डिसीजन मेकिंग है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? स्किल का हमारे अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है इनफैक्ट, क्योंकि अगर हम फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते हैं तो फिर हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है. लेकिन चूंकि हम इतनी एडवांस एज में रह रहे हैं कि इससे बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा एक ऐसे तरीक़ाकार मौजूद हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं लाइफ में. हम ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं. फैसला करने की सलाहियत यानी इसकी इम्पोर्टेंस हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है. और अगर हम ये सीख लें कि सही फ़ैसला कैसे किया जाता है तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. फैसला करना बज़ाहिर ये कैसे ही है कि जी येस और नो वाली बात है, लेकिन इनफैक्ट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हमारी फैसला करने की जो सलाहियत है वो डिपेंड करती है हमारी मेंटल हेल्थ पर. क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर है तो हमारी फैसला करने की सलाहियत भी बेहतर. आप देखें अगर बहुत दफ़ा लोग एंशियस होते हैं तो आप वो ज़्यादा डिसाइसिव नहीं होते, वो इनडिसाइसिव से होते हैं. एंड अगर हम में से बहुत सारे लोग फैसला ले भी लेते हैं किसी वजह से तो बाद में क्या ख्याल आते उसको, आपने पता नहीं ठीक लिया है या नहीं लिया, ठीक क्या नतीजे आएंगे, क्या नतीजे आएंगे इसके, ख़राब तो नहीं हो गया. सो हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत ताल्लुक है. अगर हमारा साउंड मेंटल हेल्थ है तो हमारी फैसला करने की जो सलाहियत है वो बहुत मजबूत होती है. अच्छा मिस, इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि चूँकि आपने फैक्टर्स की थोड़ी सी बात की, तो यहाँ पर ख़ास करके अगर इस सोसाइटी में देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो बड़ों ने कह दिया वो बात फ़ाइनल है, तो उसमें लाजमी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते होंगे. लेकिन क्या जो हमारी डिसीजन मेकिंग की स्किल है ये बड़ों में ही बेहतर होती है या ये बच्चों में भी अच्छी हो सकती है? देखिए लिवरेज तो बड़ों को ये है कि दे हैव एक्सपीरियंस ओवर देयर, डेफिनेटली बच्चों की निस्बत उनका एक्सपीरियंस है. लेकिन फैसला करने की सलाहियत का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कौन अच्छा फैसला कर सकता है, ये नहीं कि कॉस्ट एंड बेनिफिट कितना अच्छा कोई कर सकता है एनालिसिस उसके. अगर कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस यानी
आपको कोई भी फैसला लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, ये अगर आप समझते हो कि आप सही अंदाज़ा और तज़िया कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। ज़्यादातर हम फैसले दो तरह से करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा रीज़न आउट करके, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगा कर, है क्या मसला, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, फिर उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, फिर उसको चूज़ करना, फिर उस इम्प्लीमेंट करना एंड देन एवेल्यूएट करना। सही। एक तो टाइप ये होती है कि जिसमें हम पूरा सोच विचार करते हैं, ये ज़्यादातर फैसले जो होते हैं वो जो हम ज़िंदगी में बड़े फैसले करते हैं तो उनमें हम सोच विचार करके फैसले करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहाँ पर हमारे इतना रीज़न हम कर नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता कि ये फ़ैसला लेने से क्या नतीजे हम कर सकते हैं, यानी एक अनप्रडिक्टेबिलिटी सी होती है। मतलब उसमें हम अगर ये कह सकें कि प्रॉब्लम का हमें उतना सही अंदाज़ा नहीं होता, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा नहीं होता, हमें अगले बंदे के रिस्पॉन्सेज का अंदाज़ा, अगर दूसरा बंदा इन्वॉल्व है, सो कहीं ना कहीं पर रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है। पहले वाले टाइप में हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमें पता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। सेकेंड वाले में समटाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास ज़रा इंफॉर्मेशन की कमी होती है, उस टाइम पर भी हमें फैसले करने, तो समटाइम हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हमारे उसके अंदर भी रहकर हम फैसले करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में हम पहले वाले में तो हम बाकायदा प्लान करते हैं ना कि हम प्रॉब्लम देखते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, देन एवेल्यूएट करते हैं। लेकिन इस वाले में जहाँ पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो फिर हम गट फीलिंग्स, इंट्यूशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, पहली आपका जो परसेप्शन है उसमें जो आपको लगता है कि अच्छा ये देखने में ठीक है, उसमें जैसे आप कुछ खाना खाना है आपने और कोई ऐसे डिश है जिसको आपने पहले ट्राई नहीं किया है, तो उसको खाने का फैसला आप किन बुनियादों पर करेंगे? कई दफ़ा तो ये भी होता है, अच्छा इसका नाम अच्छा लग रहा है, ये खा के देख लेते हैं। नाम अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से हम फैसला कर लेते हैं कि हम खाएंगे। एंड हमारी बाइसेस जो हैं वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होती हैं कि आप फैसला करते वक्त आपकी जो पर्सनल बाइसेस हैं, जो आप जानिबदार हो जाते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप देखें आप अपने फ्रेंड्स में, वहाँ पर भी आप जब किसी से सीक्रेट शेयर करने का फैसला करना है आपने, तो पर्सनल बाइसेस आती है ना आपकी, बिल्कुल, जो आपको फील हो रहा होता है कि अच्छा इससे बात करना जो है वो सेफ होगा, तो आप उससे बात करते हैं। फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मुतासर करते हैं हमारे फैसलों को, हमारे जो माजी के तजुर्बात हैं वो बहुत असर रखते हैं हमारे फैसलों में, अच्छा फलां टाइम पर ऐसा हुआ था तो अब मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आज के फैसले को डेफिनेटली मुतासर करेगा कि अच्छा मैंने लास्ट एग्ज़ाम्स में इस तरीके से पढ़ा था तो ठीक नहीं आए रिजल्ट्स, अब मैं इसको चेंज करूँ, ठीक है। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस नंबर टू हमारी लाइफ में बहुत मुतासर करते हैं हमारे फैसलों को। सही। इसी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारा जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना है, ये भी हमारे फैसलों को मुतासर कर सकता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो, तो उनको छोटे छोटे फैसलों में लिबर्टी देनी चाहिए कि अच्छा तीन चार ड्रेसेस रख दिए, आप चार पाँच साल के बच्चे से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कि जी वो क्या ड्रेस पहनना पसंद करेगा। तो ये फैसला पेरेंट्स को करना चाहिए कि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, और उसमें उनको ये छोटे छोटे, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंगली, क्या बच्चे की जो एज है ना उसके मुताबिक उनको ज़रूर फैसले करने दें, जो उनकी एज अप्रोप्रिएट फैसले हैं वो ज़रूर करें। एक और बहुत अहम चीज़ जो है वो हम सबके फैसलों को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बिलीव्स, हमारा परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं हमारे फैसलों को। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे फैसलों को मुतासर करते हैं। लेकिन जब हम इक्विप्ड हो जाते हैं विद द स्किल, जब हम कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं, जब हम फैसला करने की बात करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, वी हैव द रूल्स ना, वी कैन मेक डिसीजन ईजीली। सो उसमें
स्टेप्स की अगर हम बात करें कि कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, देखिए रूल ये होना चाहिए कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग बेहतर बनाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप कॉस्ट एंड बेनिफिट जो समझ रहे हैं वो वाकई में कॉस्ट एंड बेनिफिट है भी? समटाइम हम अपने कॉस्ट को अपना बेनिफिट समझ रहे होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही अहम फैसला करने का मौका है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका गोल क्या है उस फैसले को लेकर, व्हाट इज़ योर गोल बिहाइंड द डिसीजन। उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है उस डिसीजन मेकिंग लेने के लिए लेने में। सेकंड, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपने, जो भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर आपका गोल है एक बेटर करियर सिलेक्शन, तो मुझे फैसला करना है कि मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे ये मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे आर्ट में जाना है, करियर है गोल। अब जब आप ये गोल समझते हैं एंड देन आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन कि अच्छा मेरा एप्टीट्यूड किस चीज़ में है और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं इसको चूसो, रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो उसको आप करते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर कंसिडर करें। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस उस, यानी आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर उस डिसीजन को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो अपनी नॉर्म्स के अंदर रहकर ही हमें फैसले करने की ज़रूरत होनी चाहिए। सो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को नंबर 3 पर कंसिडर ज़रूर करें कि अगर मैं ये फैसला लूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर मैं ये फैसला लेता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट कर लें, एंड देन फिर एवेल्यूएट भी करना। फोर्थ स्टेप है कि आप एवेल्यूएट करते हो कि आपने जो फैसला लिया है तो ये ठीक लिया है। अगर बाय चांस या किसी भी तरह से आप एक डिसीजन लेते हैं और वो गलत आपका साबित हो जाता है, तो उस पर काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा बस या तो आज के बाद मैंने डिसीजन लेना ही नहीं है या ये सारा किस्मत का था सारा कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है जो एक दफ़ा ही डिसीजन गलत हो जाने पर वो कहते हैं कि अच्छा नहीं बस अब नहीं? अच्छा देखिए, ये हमें कोई ऐसा परसेप्शन बनाना होगा कि जब हमारी ज़िंदगी में, देखिए हम एक्सपर्ट तो नहीं होते, सीखने वाली स्किल है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसको सीखना पड़ेगा। जो हमारे पास टूल्स होते हैं उसको हम यूटिलाइज करके फैसला ले लेते हैं, और अगर फैसला ठीक नहीं रहता तो फिर हमें बजाय ये करने के कि अब मुझे फैसला ही नहीं लेना, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब हम जब सुबह उठते हैं तो हमें फैसले लेने ही हैं, ये चॉइस नहीं है हमारे। सो ये कहना कि अच्छा अब मैं फैसला नहीं लूँगा और कोई मेरे बिहाफ पर फैसला ले रहे, तो ये ठीक बात नहीं होगी। यहाँ पर फिर हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा, यहाँ पर फिर हमें ये देखना होगा कि अच्छा ये इस दफ़ा ठीक नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर करूँगा, जो कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स आपको सिखाती हैं, जो कि मेटा कॉग्निशन आपको इनफैक्ट सिखाता है कि आप बर्ड्स आई व्यू से देखते हो कि अच्छा ये फैसला जो है वो मैंने ठीक नहीं लिया, अब मैं क्या करूँ कि ये फैसला जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए। सो बजाय हम हिम्मत हार जाएं और हम ये फैसला करें कि हम फैसला नहीं लेंगे, हम ये भी फैसला कर सकते हैं कि आइंदा से हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा करें। मतलब हम इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि चूँकि अगर फैसला गलत हो भी गया तो इन द एंड हमारे पास लर्निंग एक बची है जिसको हम अपने आइंदा के जो डिसीजंस बनाने हैं, हमने जो करने हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। अच्छा मिस, एग्जीक्यूटिव स्किल्स के चूँकि पर्सपेक्टिव में बात आ गई, तो वो कौन सी ऐसी एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी डिसीजन मेकिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? देखिए, एग्जीक्यूटिव स्किल्स की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ना, जो कि हमने बहुत शुरू के प्रोग्राम्स में की भी होंगी, बाय द डेफिनेशन एग्जीक्यूटिव स्किल्स ब्रेन बेस्ड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। सो डेफिनेशन से ही जाहिर है कि तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव स्किल्स आपको अच्छा डिसीजन मेकर बनाती हैं, लेकिन इसमें कुछ जो प्रोमिनेंट हैं उनमें हम बात करेंगे। जैसे मैंने बात की मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन एनालिसिस करने की स्किल को कहते हैं, यानी आप एवेल्यूएशन करने की स्किल को। आप मुझे बताएं कि मेटाकॉग्निशन एज अ स्ट्रेंथ अगर किसी में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके फैसले जो हैं वो बेहतरीन होंगे, वो देख सकेगा बर्ड्स आई व्यू से कि क्या मैंने ठीक किया है और क्या मैंने ठीक नहीं किया। अगेन रिस्पॉन्स इनहिबिशन का जो एग्जीक्यूटिव स्किल है, रिस्पॉन्स इनहिबिशन, the ability to review the consequences, आप consequences को review करने की जो skill है वो भी आपको definitely इसमें help करेगी decision making में। flexibility का executive skill, देखिए आपने एक फैसला किया
और वो नहीं, आपने एवेल्यूएट किया कि ये ठीक नहीं था, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करेगी। जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अच्छा एक दफ़ा फैसला कर लिया तो फिर ठीक नहीं था तो मुझे करना नहीं चाहिए, इफ़ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी तो आप कहोगे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम, या चेंज को अडेप्ट करना या किसी और प्लान को यूज़ करके रिवाइज करके अपनी चीज़ों को हम कर सकते हैं। फिर गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस का जो एग्जीक्यूटिव स्किल है वो भी हमारे फैसलों को बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाता है। स्ट्रेस टॉलरेंस है वो हमारे फैसलों को बेहतर बनाता है। अगर एक दफ़ा हम फैसला नहीं भी करते हैं, बेहतर करते हैं, तो डेफिनेटली अगली दफ़ा वो हमें थ्राइव करना सिखा रहा है। बेसिकली मेटाकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्स इनहिबिशन का जो एग्जीक्यूटिव स्किल है वो हमें हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारा सस्टेन अटेंशन है कि अटेंशन को फोकस रखने का एग्जीक्यूटिव स्किल भी हमें फैसले लेने में बेहतरी बनाता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी चीज़ से, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो एंड आपका अटेंशन, आपने फैसला किया है कि मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन आपका बार बार फ़ोन का बजना, आपके टीवी, लैपटॉप, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको आपके गोल की तरफ से हटा सकती है। तो अगर आपने फैसला किया पढ़ने का और सस्टेन अटेंशन का स्किल आपके अंदर एज अ स्ट्रेंथ है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। वो आपकी, आपको डाइवर्जन्स की तरफ जाने से रोकेगा, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी से आपको जो है वो रोक लेगा। फिर इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल जो है, देखिए आप कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर एंजाइटी होना शुरू सम टाइम हो जाती है कि पता नहीं ठीक किया है या नहीं किया ठीक। इसमें आपको इमोशनल कंट्रोल हेल्प करता है कि आपका जो इमोशंस को मैनेज करने का स्किल है, फिर जब आप कोई गोल या टास्क करते हो, कोई फैसला लेते हो, तो फिर एंजाइटी जैसी जो फीलिंग्स हैं, फिर इमोशनल कंट्रोल उसको हेल्प कर रहा होता है। सो ओवरऑल तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं वो आपको बेहतरीन वे में हेल्प करती हैं, जिनमें ज़्यादातर रिस्पॉन्स इनहिबिशन यानी आप एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात, कि पहले से ही एनालिसिस कर लिए जाएं कि मैं ये जो फैसला लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सो इसमें मुझे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस कौन से बेयर करने पड़ सकते हैं। फिर एक वर्किंग मेमोरी की एग्जीक्यूटिव स्किल होती है जो कि बहुत ही हेल्प करती है। यानी वर्किंग मेमोरी का मतलब है इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का स्किल। जब आप कॉम्प्लेक्स टास्क करें, जब लाइफ में आपको ज़रूरत पड़े उस इन्फॉर्मेशन की, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से फैसले कर सकें। जब आपकी मेमोरी अच्छी होगी, वर्किंग मेमोरी का एग्जीक्यूटिव स्किल जो है वो बेहतर होगा, तो आपको फैसले करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस रिकॉल हो रहे होंगे एंड आपको हेल्प करेंगे कि अच्छा इस दफ़ा तुमने बाइंग जो है वो बेहतर करनी है। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम जब तुमने बाइंग की थी तो तुमने बहुत ओवर स्पेंडिंग की थी, सो अब जो फैसला करना है आपने कुछ चीज़ों को ख़रीदने का, तो उसमें कुछ प्लानिंग कर ली जाए, उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस की इन्फॉर्मेशन से हेल्प ले ली जाए। देखिए इमोशनल स्टेट में तो फैसला करने से गुरेज करें, बट समटाइम ऐसा होता है कि हमें फैसला करना पड़ता है, लेकिन किताबें यही कहती हैं कि इमोशनल स्टेट में फैसला जो है वो ना किया जाए तो दैट वुड बी बेटर। वो स्टेट फैसला करने की नहीं है, क्योंकि उस स्टेट में हमारे दिमाग में जहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्किल एग्जिस्ट करती हैं और वही दिमाग का हिस्सा फैसले भी करता है, सो वो एक्टिव नहीं होता इतना। आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की, फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जब भी हमें कहीं फैसला लेना पड़े, हमें सोच विचार के साथ उसके तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस को जहन में रखते हुए और तमाम तर चीज़ों को जहन में रखते हुए एक फ़ैसला लेना चाहिए और फिर उस फैसले पर कायम रहना चाहिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।